Assalamualaikum, welcome to Ashee's Kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? Ashee's Kitchen में आज मैं एक और रमजान स्पेशल रेसिपी बनाने लगी हूँ और इफ्तारी में आप इसको बना सकती हैं. बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. जो रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आपने क्लिक करना है. उसके साथ जो घंटी का निशान है उसको भी आपने प्रेस करना है और ये बिल्कुल फ्री है. इससे ये होगा कि जो मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज जो भी न्यू आएगी वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें. और आज मैं बनाने लगी हूँ, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी दिखने वाली जो है ये रेसिपी है. इसको आप टी पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में भी बना सकती हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ पोटैटो बर्ड नेस्ट. और इसके लिए मैंने ले लिए हैं पोटैटोज. इसको मैंने, तीन बड़े साइज के आलू थे इसको मैंने बॉयल कर लिया. तीन मैंने अंडे ले लिए, ये भी मैंने बॉयल कर लिए. एक पैकेट मैंने नूडल्स लिए, एग नूडल्स जो आप, अच्छा नूडल्स आप कोई भी ले सकते हैं. मैंने लिए एक पैकेट और मसाला मैंने इसका फ्लेवर लिया और इसका जो टेस्ट मेकर है मैंने वो भी निकाल के रखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, इसमें ना आपने आलू ज़रूर लेने हैं. आलू में आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं. आलू में आप वेजिटेबल मिक्स करके इसको बना सकते हैं. आलू में आप चिकन डाल के इसको बना सकते हैं. मैंने इन चीज़ों को ऐड करके तो मैं रेसिपी बनाऊंगी. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने आलू में यही डालना है. ठीक है. इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है वो मैंने नमक डाला है. ठीक, इन चीज़ों से मैं बनाऊंगी. सबसे पहले इसको मिक्स करते हैं. इसमें डालूंगी मैं नमक. हाथ मैंने वॉश कर ली है. ये जो टेस्ट मेकर मसाले वाला था मैंने वो डाला है. अंडे डालूंगी और नूडल्स. ठीक है, रिंग्स मैं उतार लेती हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूंगी. जी, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से. अब यहाँ पे मैंने ले ली है वर्मीसली यानी कि सेवइयां बारीक वाली. और मैंने दो अंडे फेंट लिए. इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला था इसको पतला करने के लिए. और मैंने खुश्क मैदा ले लिया. अब आपने क्या करना, आपने इस तरीके से ये लेना है. इसको आपने पहले इसका बॉल बना लेना है. ज्यादा बड़ा नहीं आपने बनाना. इसको आपने यूं करने के बाद आपने इसके अंदर इस तरीके से ये और ये, ठीक है, ऐसे ये आपने यूं इस तरीके से जैसे कोई बॉल सा बनाते हैं ना, नेस्ट बनेगा ये इस तरह. ठीक है, ये इसको मैं यूं रखती जाती हूँ. एक और मैं आपको बना के, एक और बना के बताती हूँ कि किस तरीके से आपने शेप देनी है. ये देखिए, आपने इस तरीके से लिया, इसको यूं किया, हाथ को थोड़ा सा गीला कर ले. इसको आपने ऐसे बॉल बनाने, ठीक है. उसके बाद आपने ऐसे करना है और ये जो आपकी थंब है उससे आपने इसको यूं और इस तरह हाथ को भी आपने ऐसे करना है. और ये पहले आपने ऐसे होल कर लेना, ठीक है. उसके बाद आपने इसके इस तरह किनारे जो है ना वो सीधे कर लेने. ज्यादा आपने इसका होल नहीं कि ये ज्यादा, ये ऐसे नहीं करना आपने इस तरह. इस तरह से मैं सारे बना लूंगी. देखिए, मैंने सारे नेस्ट रेडी कर लिए. अब आपने सबसे पहले इसको मैदे में कोट करना है. ऑयल मैंने फ्राइंग के लिए रखा हुआ है. उसके बाद आपने अंडे में कोट करना है टिप. और उसके बाद आपने एहतियात के साथ, और उसके बाद आपने सेवइयों में करना है. ठीक है. इस तरीके से ठीक है. बारीक वाली सेवइयां आप ले लें और ये ठीक है. इस तरीके से आपने रेडी कर लेना. ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी कोटिंग कर ली है, पहले मैदे की, अंडे की और उसके बाद सेवइयों की. अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इसको बिल्कुल लाइट हल्की सी आंच पे आपने इसको ब्राउन करना है, ठीक है। सॉरी, हर चीज कुक है तो बस इसको ना लाइट, क्योंकि सेवैया ना फिर जल जाती हैं। भी मैं थोड़ी ही डालूंगी, चार चार ही। ये देखिए मैंने इसको एक से दो मिनट के बाद जो है ना, एक डेढ़ मिनट के बाद मैंने इसको इसकी साइड जो है वो पलट ली है और फ्लेम आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर सेवैया जो है ना वो ज्यादा ब्राउन हो जाएंगी। हमने सिर्फ गोल्डन गोल्डन रखनी है। अब ये देखें, जिस टाइम आपने इसको सीधा करना है, नीचे से कलर होगा तो ये जिसका होल है ना, इसको आपने इस तरीके से ऐसे, ताकि होल भी अंदर से जो है वो फ्राई हो। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर तो जरूरत ही कोई नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा जी। तो ये आपके बर्ड नेस्ट जो है वो रेडी है। इसमें मैंने जो चीज है उसको मैंने इस तरीके से इसके एग्स बनाकर इसके अंदर डाले हैं, एक लुक देने के लिए। इसके अलावा जब चीज़ मेल्ट होगी तो वो भी टेस्ट देगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान की और इफ्तार और सहर की रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।